वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल नंद किशोर द्वारा निर्देशित ध्रुवा सरजा स्टारर पोगाड़ू सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी में 2021 के जनवरी में रिलीज होने वाली फिल्म सिनेमा हॉल के फिर से शुरू होने के बाद फिल्म संभवतः पहली बार रिलीज में से एक होगी। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के तमिल संस्करण के शीर्षक की घोषणा की है और इसके साथ पोस्टर जारी किया है। इस फिल्म में धनंजय पी, रविशंकर, साधु कोकिला चिकन्ना के साथ स्टार कास्ट में दो हीरोइन हैं, श्रीवास्तव और रश्मिका मंदाना हैं। इस फिल्म के तकनीकी दल में संगीत के लिए चंदन सेट्टी और छायांकन के लिए विजय मिल्टन शामिल हैं। पोगारू को बी के गंगाधर ने अपने बैनर के तहत नियंत्रित किया है। बताते चले कि फिल्म पोगारू का पहला शेड्यूल पिछले साल सफलतापूर्वक पूरा हुआ था और टीम लंबे ब्रेक पर चली गई थी, जबकि अफवाहें थी कि निर्माता पटकाथा से खुश नहीं थे और इसे कुछ ठीक ठाक ट्यूनिंग की ज़रूरत थी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि दूसरे शेड्यूल में देरी इस तथ्य के कारण हुई कि ध्रुवा को वजन बढ़ाना था। उन्होंने एक स्कूली लड़के की भूमिका निभाने के लिए 30 किलो के करीब शेड किया था, जिसे पहले शेड्यूल में शूट किया गया था, और खोए हुए वजन को फिर से हासिल करने में समय लगा। खैर, इस फिल्म के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।